बायोटेक इंजीनियरिंग करेंगे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, नासा में जाएंगे, रिलेटिविटी का थ्योरी पढ़ेंगे। कहते हैं सफलता बड़ी जिद्दी होती है, नसीबों से कहाँ हासिल होती है। सफलता के मुकाम तक पहुँचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, सही दिशा में करी गई कड़ी मेहनत और बुलंद हौसले ही आपको सफलता के मुकाम तक पहुँचा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु भाकुनी, अलाइव 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। द सक्सेस स्टोरी की आज की इस खास पेशकश में आज मैं जिन शख्सियतों से आपको रूबरू करवाना जा रहा हूँ वो नए बच्चों को जो सिविल एस्पायरेंट्स हैं, सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, उनके सपनों को नया आकार देते हैं। हमारे साथ द आकार कोचिंग के फैकल्टी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से वो जो सिविल एस्पायरेंट्स हैं उनके सपनों को नई उड़ान देते हैं, उनके सपनों को आकार देते हैं। सर, सबसे पहले तो अलाइव 24 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से आप यहाँ बच्चों को सपनों को साकार करते हैं, उनको नया आकार देते हैं? धन्यवाद बहुत बहुत। मेरा नाम गौरव शुक्ला है। मैंने 2012 में स्वयं UPSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। मुझे भारतीय राजस्व सेवा आवंटित हुआ था। सबसे बड़ी दिक्कत जो सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स को होती है वो मेंटरशिप की है, कि उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। देखिए, कड़ी मेहनत तो आवश्यक ही है इस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो ढेर सारे बच्चे आते हैं वो उनके मन में दृढ़ विश्वास होता है कि वो मेहनत करेंगे और मेहनत करते भी हैं, लेकिन बहुत बार हमने देखा है कड़ी मेहनत के बावजूद भी उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। उसका जो रीज़न जो हमारी छोटे से अनुभव से समझ में आया है वो ये है कि उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। और इसी का कारण देखिए कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के युवा हैं, जो बहुत से छात्र हैं, वो देश के विभिन्न हिस्सों में जाके तैयारी करते हैं। तो हमारा जो प्रयास है आकार IAS में, जो हमारी टीम है, हमने अपनी एक टीम बनाई हुई जिसमें ढेर सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और ढेर सारे एकेडमिशियंस हैं, उनके साथ हमने एक प्रयास किया है आकार IAS में कि हम जो भी हमारे छात्र हैं उनको हम सही मार्गदर्शन दें। UPSC और UPPCS की तैयारी के लिए क्या आवश्यक है वो एक्चुअली वही पढ़ें जिससे वो अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। सर, आकार कोचिंग को लगभग 4 साल पूरा हो चुका है लखनऊ में। इस कोचिंग को खोलने का क्या उद्देश्य था और किस तरीके से अब तक का आपका रिस्पॉन्स रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। देखिए, आकार IAS का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारे पास जो भी फैकल्टी हो वो सिविल से जुड़ी हो, इसमें काफ़ी दिनों से उनका अनुभव भी हो, तब जाके हम लोग काम कर पाएंगे यहाँ पे। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है इसमें यह है कि जो भी हमारे पास टीचर हैं वो पिछले 10 साल से 15 साल से लगातार इसी फील्ड में काम कर रहे हैं और बच्चों का सिलेक्शन करा रहे हैं, इसी आधार पे आकार IAS करनी पड़ी है। जो भी यहाँ पे फैकल्टी है वो अस्थाई रूप से यहाँ पे वर्क कर रही है और हम लोग हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इवन आपका टेस्ट सीरीज से लेके छोटे एग्ज़ाम से लेके बड़े एग्ज़ाम पे भी हमारा फोकस है। मेनली हमारा जो है IAS पे फोकस होगा, PCS पे होगा और उससे और भी जो स्टेट लेवल की एग्ज़ाम है उस पर फोकस होगा। धन्यवाद सर। ने जैसा कि बताया सर कि बड़ा अनुभवशाली यहाँ पे फैकल्टी है, लेकिन बच्चे खासकर लखनऊ के, देखा जाता था पिछले कई दशकों से कि लखनऊ छोड़ करके दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में जाते थे। अब आकार कोचिंग ऐसा क्या मुहैया करवाएगी, ऐसे क्या महत्वपूर्ण चीज़ें मुहैया करवाएगी जिससे लखनऊ के जो बाशिंदे हैं, लखनऊ के जो लोग हैं, दिल्ली छोड़ करके दिल्ली ना जाएं, बल्कि लखनऊ में ही रह करके अपने सपनों को साकार कर सकें, अपने सपनों को आकार दे सकें? दरअसल में दिल्ली जाने का सबसे बड़ा कारण ये होता था कि वहाँ पर स्टूडेंट को एक सफिशेंट मटेरियल भी मिल जाता था और इसके अलावा एक अनुभवी फैकल्टीज वहाँ पर थी। मैं डॉक्टर अंशुल वाजपेयी,
मैंने अपना कैरियर दिल्ली विश्वविद्यालय से ही शुरू किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के बाद, हिस्ट्री में पीएचडी करने के बाद, दिल्ली विश्वविद्यालय के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में भी एज ए प्रोफेसर मैंने काफ़ी काम किया है। और हिस्ट्री में तमाम बुक्स, तमाम आर्टिकल्स, वो आर्टिकल्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से लगा करके जितने बड़े बड़े जर्नल्स हैं उसमें हमारे आर्टिकल्स पब्लिश होते रहे हैं। तो एक अच्छे अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए हमने एक ये चीज़ महसूस की है कि दिल्ली में फैकल्टी अच्छी हैं। दरअसल में सिलेक्शन जो होता है सही मार्गदर्शन से होता है, अच्छे अनुभवी टीचर से होता है। वो टीचर चाहे लखनऊ में अवेलेबल हों, चाहे दिल्ली में, चाहे देश के किसी अन्य जगह पे। तो हमने यही प्रयास किया है कि उससे बेहतर क्वालिटी के अगर टीचर्स लखनऊ में मौजूद होंगे, डेफिनेटली वो लखनऊ से रिजल्ट देंगे। दूसरा कारण ये रहा है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में खासतौर से हिंदी भाषी के विद्यार्थियों के पास अच्छी मेंटरशिप की कमी है, क्योंकि ये देश का दुर्भाग्य कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको, कि हिंदी माध्यम में मटेरियल भी उतना अच्छा उपलब्ध नहीं है और ना ही टीचर। तो हम लोगों ने एक ये समग्र प्रयास किया, मैं खुद हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ, कि इंग्लिश मीडियम की उसी स्टैंडर्ड की क्वालिटी, उसी क्वालिटी का मटेरियल हम लोग हिंदी भाषी बच्चों को आसान भाषा में उपलब्ध कराएं, जिससे कि वो मैक्सिमम मार्क्स ला करके यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर सकें। तो हमें नहीं लगता है कि दिल्ली जाने की कहीं ज़रूरत पड़ेगी, जब वही चीज़, वही क्वालिटी, वही इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें अगर हम यहाँ उन्हें उपलब्ध करा देंगे, यहाँ सफलता दिलाएंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे यहाँ पे रुकेंगे और यहाँ से हम सिलेक्शंस भी देंगे। सर, सिलेक्शन की आपने बात करी, दो तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। एक तो होता है प्रैक्टिकल अप्रोच और दूसरा होता है आपका मॉरल अप्रोच। तो प्रैक्टिकल अप्रोच में तो ठीक है, हमको समझ में आता है कि कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। बाकी बात आती है मॉरल अप्रोच की, तो किस तरीके से बच्चों को मॉरली आप सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से उनको बताते हैं कि ये सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम है बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले संस्थान में बच्चे क्यों आते हैं? संस्थान में बच्चे इसलिए आते हैं कि उनके जो परिश्रम की एक दिशा है वो सही हम लोग बता पाएँ। दूसरा विषय ये होता है कि वो जो परिश्रम उनको करना चाहिए इस परीक्षा में, उसको कहीं ना कहीं हम कम करते हैं, हमारे मार्गदर्शन, हमारे नोट्स, अच्छे नोट्स, तो उसमें उनकी मेहनत काफ़ी कम हो जाती है। अब तीसरा विषय आता है व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत इस परीक्षा की तैयारी जो भी करना चाहता है उसके अंदर अपने आप एक आग होती है कि हमें IAS बनना है, हमें PCS बनना है। हाँ, कई बार उस आग में कुछ कमी आती है, कुछ और कारण होते हैं जिससे वो उसका मन थोड़ा भ्रमित होता है, वो हमसे आगे पूछता है, हमारे काउंसलर्स हैं एक से एक अच्छे यहाँ पर, उनसे पूछता है, तो हम लोग उसका उचित समाधान करते हैं और भावनात्मक सपोर्ट या क्या दिक्कतें हैं। कई बार उस पास फीस के पैसे नहीं होते हैं तो हमारे यहाँ थोड़ा उसमें भी सहयोग होता है, ठीक है आप बाद में दे दीजिए, अन्य मतलब जो हो सकता है। हम लोग केवल ये नहीं सोचते कि हम लोग को यहाँ पे केवल पैसा कमाना है, हम लोग ये सोचते हैं कि हमें, हमसे जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं उसको लाभ मिले और वो लाभ अंततः राष्ट्र और समाज को भी मिले। तो हमारा समग्र प्रयास होता है कि ये लाभ पहुँचे समाज के हर तबके तक। क्या लगता है किस तरह के ड्रॉबैक्स होते हैं बच्चों को, या किस तरीके का उनका डर होता है, जो डर आप सबसे पहले उनको निकालने की कोशिश करते हैं? देखिए, डर सबसे बड़ा उन बच्चों में ये होता है कि पहले वो एक, कई लोग ये धारणा बना लेते हैं कि ये जो परीक्षा बहुत कठिन है, इसमें सीट्स एक हकीकत, एक तथ्य है कि सीट्स बहुत कम है इसमें सीट्स कितनी है, 100, 200, 500, 1000, ये फ्लक्चुएट करते हैं नंबर, और उसमें भी ये केवल IAS नहीं है, ये IAS परीक्षा हम लोग कहते हैं, हकीकत में ये वस्तुतः ये परीक्षा सिविल सर्विसेज परीक्षा है, इसमें बहुत सारी नौकरियाँ हैं। IAS एक है, दूसरी IPS है, IRS है, इंडियन ऑडिट अकाउंट्स है, इसके अलावा फॉरेन सर्विसेज है, डिफेंस अकाउंट है, सिविल अकाउंट्स हैं, कुछ ग्रुप बी की भी सर्विसेज हैं। तो बच्चा जब भी एम करता है वो अधिकतर एम क्या करता है, वो IAS एम करता है, कुछ लोग हो सकता है IPS एम करते हों, ठीक है। तो वो भी ये बात जानता है कि हमें एक तरीके से बेहतर प्रदर्शन करना होगा। मैंने भी सिविल सर्विसेज का 2 बार इंटरव्यू दिया हुआ है, PCS 2 बार परीक्षा दी, 2 बार इंटरव्यू दिया, बाल बराबर अंतर से नहीं हुआ, 4 नंबर कम थे 2300 में, एक बार 14 नंबर कम थे 2300 में। पर समस्या ये नहीं है कि आप असफल वहाँ पर हो गए किसी भी कारण से, तो आप ज़िंदगी में असफल हो गए, आपकी वो मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती, ये हम बच्चों को ईमानदारी से समझाते हैं। बिल्कुल, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। सर, आपने जैसा बताया कि आप
एक IRS ऑफिसर्स थे, कुछ ऐसी आपकी परिस्थितियाँ थी जिस वजह से आपको IRS छोड़ना पड़ा और फिर से आपको टीचिंग लाइन ज्वाइन करनी पड़ी। अब जबकि आप पूरी तरीके से टीचिंग लाइन में हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरीके का अपना एक्सपीरियंस उनसे आप शेयर करते हैं या किस तरीके का आप देखते हैं कि जब आपने तैयारी करी थी या जब आपने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया था और अब के समय में और ख़ासकर लखनऊ में किस तरीके का अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, किस तरीके का बदलाव देखते हैं? देखिए, सिविल सेवा के लिए एक चीज़ हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है, वो है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। तो जो मैंने महसूस किया अपनी तैयारी में और मैंने देखा भी है कि जो भी बच्चे निरंतर प्रयास करते हैं, ठीक है, हो सकता है आपको एक साल का टाइम लगे, हो सकता है आपको दो अटेम्प्ट लग जाएं, लेकिन अगर आप निरंतर सकारात्मकता से, ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी सर ने कहा, आप लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि सीट्स कम हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, इन सब चीज़ों से आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप परिश्रम करेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। मैंने अभी तक एक भी ऐसा अभ्यर्थी नहीं देखा, अब मैं सच बोल रहा हूँ, कि जिसने सकारात्मक मन से, ईमानदारी से प्रयास किया हो और वो आज कहीं ना कहीं सेलेक्ट ना हो गया हो। तो इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, इस फील्ड में ढेर सारे अभ्यर्थी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें ईमानदारी की भी कमी होती है, कहीं ना कहीं उनमें सकारात्मकता की कमी होती है, कई बार जैसे सर ने बताया वो भटक जाते हैं। तो अपने आप को व्यवस्थित रूप से एक साल बनाए रखना, वही एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर आप वो काम सकारात्मक रूप से कर ले जाते हैं तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। अपने आप को व्यवस्थित रूप से बनाए रखना बेहद ज़रूरी होता है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब बच्चा आता है आपकी कोचिंग में या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए आपके पास आता है, आपसे सुझाव लेता है, आपसे कंसल्ट करता है इन सारी चीज़ों को लेकर के, तो कई बार ऐसा देखा गया है, ये प्रैक्टिकली ये बात सत्य साबित भी हुई है कि जब स्कूलिंग होती है किसी बच्चे की तो देखा गया है कि सेकंड डिवीज़न पास होता है, थर्ड डिवीज़न पास होता है और उसने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम भी क्रैक किए हुए हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या आप मोटिवेट करते हैं, किस तरीके का आप काउंसिल करते हैं उनको? सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि IAS PCS जो भी इस तरह के एग्ज़ाम हैं उसके लिए आपको थर्ड डिवीज़न पास भी अगर हैं तो चल जाएगा चीज़ें। तो सबसे पहले तो हम यही बताते हैं कि अगर आप थर्ड डिवीज़न पास हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने कितनी बार हाई स्कूल इंटरमीडिएट में फेल होने के बाद भी आज IAS हैं, IPS हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग बच्चों को तुरंत सामने ही बता देते हैं, जिससे उसका जो पहले का जो बैकग्राउंड है जिसमें वो कम नंबर के वजह से या फिर तमाम तरह की इस तरह से गतिविधियाँ बनी हैं जिससे वो उसको लगता है कि हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर आते उसकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाती है कि उसको ये लगता है कि नहीं, अब ये चीज़ें हम कर सकते हैं। तो यहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है और यहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद से हम लोग उसको तुरंत सारी चीज़ें डिटेल बता देते हैं कि आपको IAS बनना है, PCS बनना है, किस तरह से आप तैयारी करिए। यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो भी आपका स्वागत है। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, यानी 10+2 हो आप, उसके बाद से भी आप तैयारी कर सकते हो। तो उसके लिए हमारा अलग प्रोग्राम हो जाता है, ग्रेजुएटेड है उसके लिए अलग प्रोग्राम है हमारा। तो हम सिलेबस के साथ उसको सारी चीज़ें बता देते हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी वो भी बता देते हैं, सिलेबस के साथ उसका डिस्कशन करा देते हैं, टीचर से मीटिंग करा देते हैं, हमारे काउंसलर हैं उनको अच्छे से तरीके से कैसे शुरुआत की जाती है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में उनको बता देते हैं, लिखित रूप में, मौखिक रूप में, और मानसिक तौर पे अगर उनको कोई दिक्कत है, परेशानी है, उसका भी समाधान यहाँ पे हम लोग कर देते हैं। वो शुरू में बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी बच्चे को अगर इस सिविल की तैयारी शुरू करनी है सबसे पहले उसको यही काम करना है कि क्या मैं इसके लिए योग्य हूँ, अगर योग्य हूँ तो मुझे आगे किस तरह की व्यवस्था आप देंगे हमें, ये सब चीज़ें हम लोग उनको बता देते हैं शुरू में ही। और उसके बाद से उसकी तैयारी अच्छी होने लगती है। हम लोग उससे ये भी बोलते हैं कि आप कम से कम 6 महीने हमें टाइम दीजिए, 6 महीने में आपको स्वतः ही सिलेबस, टीचर और तमाम तरह की जो इसमें डाइवर्सिटी है वो सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल, प्रीवियस एकेडमिक्स और प्रीवियस स्कूलिंग के मार्क्स उतने मायने नहीं रखते हैं अगर आप सिविल सर्विस के एस्पायरेंट्स हैं। सर ने जैसा सर बताया, हर एक विषय वस्तु की एक USP होती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। आकार कोचिंग किस तरीके से इस अपने जो USP है, पहले तो क्या है उसकी USP, मैं ये जानना चाहूँगा, दूसरी उस USP को कैसे बच्चों तक पहुँचाती है, किस तरीके से बच्चों को बताती है कि हाँ, आकार कोचिंग में आपके सपनों को आकार मिलेगा और सपने आपके साकार होंगे। देखिए, कुछ चीज़ें यहाँ की जैसा हमने महसूस किया है वो यूनिक हैं। जैसे सामान्यता कोचिंग में किसी कहीं पे भी आप क्लासेस करने जा रहे हैं, वहाँ पर जो टीचर पढ़ाते हैं केवल पढ़ाते हैं,
बस असेसमेंट प्रॉपर्ली उनका नहीं होता है। पहला ये, यहाँ पे हम प्रॉपर्ली असेसमेंट करेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस रखे हुए हमने जिसमें स्टूडेंट के किसी भी तरीके का डाउट हो डाउट क्लियर करेंगे। एनी टाइम स्टूडेंट टीचर से कंसल्ट करके अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिविल सर्विसेज के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो होता है आंसर राइटिंग। आप कितना जानते हैं नहीं जानते हैं ये मैटर बिल्कुल नहीं करता अगर आप अपनी बुकलेट पे अपने को एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं। यही चीज़ जो स्टूडेंट को पास कराती है सामान्यतः संस्थानों में इसी चीज़ का अभाव होता है। स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है उसका असेसमेंट नहीं किया जाता है, उसको लिखना नहीं सिखाया जाता है जिससे मैक्सिमम मार्क्स मिलें। तो ये जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स में जो लैकिंग होती है जिन जिन चीज़ों से हम एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से कंटिन्यूसली असेसमेंट स्टूडेंट का होगा, जो भी ड्रॉबैक्स स्टूडेंट के रह जाएंगे उसके लिए हम भले ही एक्स्ट्रा क्लासेस क्रिएट करें या भले ही उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करें उसको हम वहाँ पर लाएँगे। एक सिस्टमेटिकली एक स्ट्रेटजिकल तरीके से उसको अगर वो सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है डेफिनेटली हमें नहीं लगता कहीं से भी इस एग्ज़ाम को पास करने में उसको दिक्कत आए। बिल्कुल इस एग्ज़ाम को पास करने में दिक्कत नहीं आएगी अगर आप व्यवस्थित तरीके से तैयारी करें, सही दिशा में कड़ी मेहनत करें। सर आपसे जानना चाहूँगा कि देखा गया है कि सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम में ज़्यादातर बच्चे ज्योग्राफी हो गया सब्जेक्ट और इस तरह के सब्जेक्ट लेते हैं, तो आकार कोचिंग में अब तक का आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जो प्रोडक्टिविटी रेट है वो किस सब्जेक्ट को लेकर के अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी की जाए तो वो बच्चे ज़्यादा लेते हैं और उसमें प्रोडक्टिविटी रेट ज़्यादा आता है? देखिए ये कहना बेमानी होगा कि मैं एक विषय को कहूँ कि इस विषय में बच्चे बहुत ज़्यादा जो लेते हैं अधिक सफल होते हैं, ये इस प्रकार से होता नहीं है। और जो भी आयोग है चाहे यहाँ पर उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग हो चाहे केंद्र की बात हो, वह सब लोग इस विषय को हमेशा ध्यानपूर्वक देखते हैं। लेकिन हाँ एक बात ये भी सही है कि वो लोग इस विषय को भी देखते हैं कि किस विषय का व्यक्ति यदि जब अधिकारी बनेगा तो बेहतर काम कर पाएगा या वो अधिकारी बनने के बाद कौन सा विषय उसको अच्छे अधिकारी बनने में ज़्यादा मदद करेगा। तो कुछ विषय अच्छे हैं जैसे कि सर पढ़ाते हैं लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपको वही काम करना है। तो लोक प्रशासन एक अच्छा विषय है और हमने यदि पिछले कुछ वर्षों में हम देखें तो लोक प्रशासन जो सर पढ़ा रहे हैं या ये जो विषय है ये सबसे अच्छा माना जा रहा है। सर जैसे कहा जाता है यूपीएससी में आपने बताया था जैसे क्लासिफाइड किया था आईएएस होता है आईआरएस होता है एफएएस होता है, हालांकि आईएएस का जनता से सीधा संपर्क होता है, आईएफएस का उतना संपर्क सीधा नहीं होता है, आईआरएस का उतना सीधा संपर्क नहीं होता है। तो बच्चे की एबिलिटी होती है बच्चे का एक कैलिबर होता है, अगर वो आईएएस के लायक नहीं है फिर भी वो आईएएस की ही तैयारी करता है हालांकि उसका जो कैलिबर होता है वो लगता है कि आईआरएस उसका अच्छा निकल सकता है या उसका आईएफएस अच्छा निकल सकता है, आईएएस के लिए वो उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है। तो इस तरीके से कैसे बच्चे को ग्रूम करते हैं, कैसे बच्चे की काउंसलिंग करते हैं? देखिए पहली बात आप एक विषय समझ लीजिए, ये एक भ्रांति है, ये जो परीक्षा बच्चा दे रहा है उस परीक्षा का नाम है सिविल सर्विसेज परीक्षा, सिविल और सर्विसेज। एक तरीके से आप समाज को सेवा देने जा रहे हैं चाहे वो आईएएस हो चाहे वो आईआरएस हो, आपको समाज को सेवा देनी है और इस सेवा में वही चयनित होते हैं जिनके पास एक सेट ऑफ कैटेगरीज होती है, उसमें एक धैर्य होता है, उसमें एक अथक परिश्रम होता है, उसमें एक इंटीग्रिटी होती है, ये सारे अधिकारियों में ये सारे गुण होने चाहिए। और जैसे आप एक बात कह रहे हैं ये भ्रांति है कि वो आईआरएस बन गया तो उसका पब्लिक से इंटरफेस नहीं है, ऐसा नहीं है। एक आईआरएस है चाहे एक आईआरटीएस है वो भी ऑन डेप्यूटेशन बहुत सारे पदों पे जाता है जहाँ पर उसका पब्लिक इंटरफेस होता है। एग्जांपल एक आईआरटीएस शायद व्यक्ति थे श्री विनय श्रीवास्तव जी, आपके ये लखनऊ पासपोर्ट ऑफिस में रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर रहे, तो ये एक सर्विस है उनकी कोर, डेप्यूटेशन पे बहुत सारी सर्विस होती है। ऐसे ही आईएएस और आईपीएस आप ऐसा सोच लिए उनका पब्लिक से इंटरफेस है, चाहे वो डीएम साहब हैं चाहे एसपी साहब हैं, वो उनके कार्यकाल का एक छोटा सा हिस्सा है। उसके अलावा भी कई बार वो पीएससी में चले जाते हैं, कई बार किसी एजुकेशनल यूनिवर्सिटी में जुड़ जाते हैं, तो ये सारी ही जो सेवा के व्यक्ति हैं सबका पब्लिक इंटरफेस होता है उनके 25, 30, 35, 40 साल के सर्विस करियर में। किसी भी सर्विस को ऊपर कहना या नीचे कहना यह बेमानी होगा, सभी लोग एक कैलिबर के हैं और सभी अधिकारी राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, उनको राष्ट्र को आगे ले जाना है,
जितने भी अधिकारी हैं वो एक तरीके से राष्ट्र का अंग है। जो राष्ट्र का लाभ सोच सकता है, जो राष्ट्र धर्म से ओतप्रोत है, वही व्यक्ति अधिकारी बनने का हकदार है। बिल्कुल। तो जैसा आपने बताया कि आईएएस या आईएफएस या आईआरएस जो होते हैं उनका सीधा संपर्क नहीं होता जनता से, ऐसा बच्चों में एक भ्रांतियाँ होती है, जबकि जो अधिकारी होता है वो सीधे राष्ट्र को समर्पित होता है। सर, अब चूंकि आप अच्छी कोचिंग आपकी चल रही है, आकार आईएएस कोचिंग अच्छी चल रही है आपकी, किस तरीके से बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आने वाले एस्पायरेंट्स हैं, जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, जो हताश हो चुके हैं अपने एक दो अटेम्प्ट्स क्लियर नहीं कर पाने के बावजूद भी? देखिए, हमारी उन सबसे यही एक सलाह है, एक गुजारिश है, एक संदेश है कि पहली बात तो ठीक है, अगर आपने एक दो अटेम्प्ट दिए हैं, सफल नहीं हुए हैं, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, असफलता से ही कहीं ना कहीं, जैसे सर ने पहले भी बताया कि असफलता से ही सफलता जन्म लेती है। दूसरी बात, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस एग्ज़ाम में हिम्मत नहीं हारनी है आपको, आपको जो निरंतरता है, जो कंसिस्टेंसी है, उससे आप लगे रहिए। हाँ, अगर आपको लखनऊ में हमारा संस्थान है, आपको किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता है, किसी भी विषय में आपको मदद की आवश्यकता है, हमारे पास आइए, हमसे मिलिए, आपका स्वागत है, हम आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, कहीं भी ज्वाइन करिए, कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आंसर राइटिंग करते रहिए। मेंस के लिए जैसे अंशु सर ने बताया कि आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर आप जो छोटी छोटी बेसिक क्वालिटीज हैं जो यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए आपको चाहिए, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, कंटिन्यू मोटिवेट रहिए, ये सारी चीज़ें अपने अंदर रहिए और जल्दी से सेलेक्ट हो जाइए। बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, बहुत ऐसा आपको नहीं सोचना है बहुत टफ एग्ज़ाम है, बहुत आसान एग्ज़ाम है। जो लोग सफल हुए हैं उनसे थोड़ा सा मिलिए, उनसे थोड़ा बात करिए। बहुत बार जो असफल होते हैं, देखो हमारे समाज में प्रवृत्ति है कि वो अपनी असफलता का कारण स्वयं नहीं बताते हैं, दूसरों को बताते हैं कि हम इनके कारण असफल हो गए, इस कोचिंग के कारण असफल हो गए, हमें अच्छा गाइडेंस नहीं मिला। तो इसलिए थोड़ा प्रयास करिए, जो लोग सफल हैं इस एग्ज़ाम में, जो अच्छे अच्छे पदों पर हैं और जिन्होंने अपना जीवन देश को समर्पित किया है, आप उनसे मिलिए, अच्छा मार्गदर्शन लीजिए। और फिर भी अगर आपको कहीं हमारी आवश्यकता पड़े तो आकार आइए, इसमें आइए, आपका स्वागत है, और जल्दी से अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। सर, आप सभी लोगों का अलाइव 24 न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अनुभव शेयर किए और निश्चित तौर पर जो एस्पायरेंट्स हैं यूपीएससी के, उनको इसका बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ आकार कोचिंग के फैकल्टी, जिन्होंने अपने अनुभव शेयर किए और बताया कि सिविल सर्विसेज एक ऐसा एग्ज़ाम है जो ना सिर्फ देश का सबसे प्रतिभाशाली, सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है, इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपके पास धैर्य है, सही दिशा में आपका अनुभव काम आएगा, सही दिशा में आपकी कड़ी मेहनत काम आएगी, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी बड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज़। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।